आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं इस समय पंडोकर धाम में हूँ। पंडोकर धाम में गुप्ता जी की दुकान, यदि आप नहीं आए तो आपने पंडोकर धाम में यहाँ की फेमस चाय आपने नहीं पी पाए। आप पंडोकर धाम में यदि आप आते हैं तो यहाँ की फेमस चाय है गुप्ता जी की, पंडोकर धाम की। और इनकी गुप्ता जी की जो दुकान है वो हनुमान जी मंदिर के ठीक पास में ही है, जो पंडोकर सरकार का मुख्य मंदिर है, मुख्य द्वार है पंडोकर सरकार, हनुमान जी महाराज का दरबार, वहाँ पर गुप्ता जी की दुकान है। यहाँ की चाय बहुत फेमस है और मिठाई भी फेमस है भाई, और इनकी मिठाई भी फेमस है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर शुद्ध देसी घी से निर्मित यहाँ पर मिष्ठान भंडार बनाते हैं। ये सभी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनी हुई हैं और लगभग 400 रुपए किलो से शुरुआत यहाँ पर होती है। और पंडोकर धाम में जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं गुप्ता जी के यहाँ नाश्ता करने के लिए ज़रूर आते हैं। आखिर गुप्ता जी की दुकान में ऐसा क्या है कि यहाँ पर लगातार भीड़ बनी रहती है? आप देखेंगे, बात करते हैं, आप क्या खरीद रहे हैं? मैं कचौरी खरीद रहा हूँ, दो बहुत ही फेमस चाय है भाई जी। कितने रुपए की एक चाय? 10 रुपए की वहाँ भी है, 10 रुपए की यहाँ भी है, कोई फर्क नहीं है। चाय में फर्क है? अरे बहुत फर्क है भाई जी, कहाँ घी और कहाँ जो है तेल, दोनों एक बराबर नहीं है ना। चाय बहुत ही फेमस है भाई जी, कचौरी भी बहुत मस्त है और मिठाई भी इनकी बहुत ही अच्छी है, शुद्ध है, साफ सुथरा दुकान है, बहुत ही अच्छी चाय। जो इनका कुल्हड़ वाला फ्लेवर है ना चाय का, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है इस एरिया में। और मीठा स्पेशल प्रसाद के लिए इन्हीं का मीठा यूज़ होता है, स्पेशल घी से काफ़ी टेस्टी रहता है। यहाँ पर लोग चाय खरीद रहे हैं, चाय इनका गुप्ता जी का चाय बड़ा टेस्टी होता है। 10 रुपए का चाय है जो कि हर जगह उपलब्ध रहती है 10 रुपए में, लेकिन गुप्ता जी का जो है वो पंडोकर सरकार का शुद्ध प्रसाद, मान दिव्य प्रसाद है इनकी चाय। यहाँ पर लोग ज़्यादातर लोग चाय ही पीने के लिए आते हैं, तो पंडोकर धाम में आप दर्शन करने के लिए आएँ तो चाय ज़रूर पिए गुप्ता जी की। और कड़ी कचौड़ी बहुत फेमस है, आप देख रहे हैं गर्मा गर्म राजस्थानी कड़ी कचौड़ी, यदि आपने नहीं खाए। जी 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 जी, एकदम फर्स्ट क्लास, सुपर टॉप। ले रहे हैं लड्डू, ले रहे हैं जो प्योर देसी घी का बना हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा है। यहाँ कहाँ से आए हैं? हम बनारस से चलकर आए हैं। ये बनारस से आए हैं शुद्ध देसी घी का निर्मित, यहाँ पर ये मोदक ले रहे हैं, यहाँ पर खरीद रहे हैं। आप कहाँ से आए? पटना से, बिहार से। ये पटना बिहार से आए हैं, तो आप पंडोकर धाम में देखते हैं गुप्ता जी की दुकान इतनी फेमस क्यों है, आप लोगों से बात करते हैं, क्या खरीद रहे हैं? लड्डू। अच्छा, आया हूँ मैं कड़ी कचौड़ी खाने आया हूँ। बेहतरीन कचौड़ी है इनकी। 170 रुपए। मेरा विनोद नाम है। कहाँ से है? मैं राजस्थान से आया हूँ। क्या खरीदने आए इस दुकान पर? दुकान पे हमेशा हम समोसा कचौरी लेते हैं। चाय के बारे में लोग ज्यादा वो करते हैं कि चाय बहुत फेमस है गुप्ता जी। हाँ, चाय भी बहुत अच्छी है इनकी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ ये चाय के लिए फेमस दुकान है गुप्ता जी की दुकान है, जो कि पंडोकर सरकार का दिव्य प्रसाद है। मिठाई भी खरीद रहे हैं, लाइन लगी रहती है। और यहाँ के ओनर से बात करते हैं, जो इसके ओनर हैं। आइए गुप्ता जी, आपका पूरा? केसी गुप्ता। केसी गुप्ता जी, गुप्ता जी ऐसा क्या डालते हो चाय में कि लोग आपकी चाय पसंद करते हैं? जी सर, मैं ये मानता हूँ कि सब गुरुदेव का आशीर्वाद और पंडोकर सरकार का प्रसाद है। मैं कुछ नहीं डालता हूँ, वही चाय, वही चीनी, वही दूध, सब कुछ है। पर पता नहीं, मैं भी शुरुआत में सबसे पहले पंडोकर सरकार के चाय प्रसाद चढ़ाता हूँ, उसके बाद गुरुजी के माताजी पिताजी को चाय पिलाता हूँ, उसके बाद ही मैं सबको चाय पिलाता हूँ। तो उससे प्रसाद हो गया ये, और खुद गुरुदेव भी हमारी चाय को बहुत पसंद करते हैं, खुद भी चाय पीने आते हैं और खुद भी मंगाते हैं हमारे से। तो केसी गुप्ता की चाय पीते हैं पंडोकर सरकार स्वयं और उनके माता पिता भी, इससे वो दिव्य प्रसाद का रूप ले लेती है, साक्षात प्रसाद है केसी गुप्ता जी की चाय, कुल्लड़ वाली चाय। यदि आपने नहीं पी पाए तो आपने कुछ नहीं कर पाए, आप दिव्य प्रसाद के रूप में कुल्लड़ वाली चाय पिए। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा केसी गुप्ता, कमलेश कुमार गुप्ता। जी, तो यहाँ आपकी चाय और कचौड़ी के बारे में लोग तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा क्या डालते हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, पंडोकर सरकार का आशीर्वाद है, आतिवन महाराज का आशीर्वाद है, ये भगवान के आशीर्वाद से ही ये चाय वगैरह सब बनाई जाती है। और प्रसाद, भगवान का आशीर्वाद से प्रसाद भी बहुत अच्छा बनता है,
सभी पंडोकर सरकार आशीर्वाद, आदिवान जी महाराज का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। आपके यहाँ शुद्ध देसी घी के मिष्ठान भी बनता है? हाँ, हमारे यहाँ पर शुद्ध देसी का मिष्ठान में मोतीचूर के लड्डू है, कानपुरी लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, मलाई बर्फी है और कलाकंद है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, केसर बाटी है। हमारे यहाँ पर सभी शुद्ध चीज़ बनाई जाती है और यहीं पर निर्मित किया जाता है। तो ये जो आपके मिठाई बनाने वाले लोग हैं, तो ये कहाँ से आपने बनाया? हम सब जयपुर से हैं और यहाँ पर आके आशीर्वाद लेने के लिए पंडोगढ़ सरकार में आए थे, जो आशीर्वाद हमको मिल गया और हम प्रसादी वितरित करते हैं बना बना के और सेवा कर रहे हैं। पंडोगढ़ धाम में जयपुर से लोग आए हैं, स्पेशल शुद्ध देसी घी से निर्मित यहाँ पर मिठाई बनती है। और आप जब भी पंडोगढ़ धाम में दर्शन करने के लिए आएँ तो केसी गुप्ता जी की दुकान। आपकी जन अदालत न्यूज पर लेकर आए हैं अब हम पंडोखर धाम में, वो कैंटीन जहां पर लोग मात्र 70 रुपए में भरपूर लजीज भोजन का आनंद लेते हैं। और इसके साथ ही इस कैंटीन में सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयां बनाई जाती हैं, वो भी पंडोखर सरकार की देखरेख में। और जिसके ऑनर मुख्य रूप से भुवनेश शर्मा जी हैं, जो कि पंडोखर सरकार गुरुशरण महाराज के मामा श्री हैं। और मामा श्री के नाम से लोग इन्हें विख्यात हैं यहाँ पर, ये कैंटीन के अंदर जहाँ पर आपको सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और 70 रुपए में लजीज भोजन का आनंद आप ले सकते हैं। तो इस संबंध में हमने इस कैंटीन के ओनर भुवनेश शर्मा उर्फ मामा से सीधी बात की। भुवनेश शर्मा जी, जिस तरीके से इस दुकान की बड़ी तारीफ सुन रहे हैं, क्या कहना है आपका? अरे बहुत अच्छा, ये मेरे ही ये भी है, उधर आश्रम में भी कैंटीन है। प्रयास यही करता हूँ कि अच्छे से अच्छा लोगों को मिले, भगवान का प्रसाद है, सभी लोग संतुष्ट होते हैं। आपकी कैंटीन में 10 रुपए में मात्र गुजिया मिल जाती है, जबकि बाजार में उसका रेट लगभग 20 रुपए होता है। तो उतना ही अपना इनका खर्चा निकले, मेरा खर्चा निकले, लोग संतुष्ट हों, इसके अलावा और कोई भाव नहीं रहता। पैसा तो भगवान बहुत तरीके से देता है, देना तो उन्हीं को है। दो चीज़ में कमाएंगे, एक में नहीं कमाएंगे, कोई बात नहीं। क्या क्या स्पेशल बनता है आपकी कैंटीन में? हमारी कैंटीन में ब्रेड पकौड़ा से लेके नाश्ते के 2500 आइटम बनते हैं, उस सब का एक ही सेम रेट होता है 10 रुपये। तो 10 रुपये में यदि आपको मिल जाए तो कितना सस्ता मिलता है कैंटीन में? भुवनेश्वर शर्मा जी की कैंटीन चलती है पंडोखर सरकार दरबार में, और वहाँ कैंटीन में आप आएँ और भोजन भी वहाँ पर मिलता है। सर, भोजन थाली कितने की पड़ती है? 70 रुपये। तो 70 रुपये की भोजन थाली होती है और शुद्ध देसी घी से चुपड़ी हुई रोटी भी मिलती है? जी जी हाँ जी। दाल चावल एक सब्जी, चावल भी मेरे यहाँ सिंपल नहीं बनता, 125 रुपये केजी वाला बनता है। और प्रयास यही रहता है कि इनका मुझे अगर 5 रुपये थाली भी मिलती है तो मैं संतुष्ट हूँ, मुझे हाँ भरपेट भोजन। तो रोटी और सब्जी का कोई हिसाब नहीं है, 70 रुपये में आपको भरपूर भोजन मिलता है भुवनेश्वर शर्मा की कैंटीन में। हम कैंटीन में अभी आपको लेकर चलेंगे भुवनेश्वर शर्मा से, वहाँ आज मैंने इंटरव्यू किया है। निश्चित रूप से गुरुशरण महाराज जी की ओर से क्या संदेश है आप लोगों के लिए? उन्हीं का आदेश है कि वो कभी भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि मेरे यहाँ भोजन कैसा बनता है, इस वजह से या ये कह लें मेरा भी भाव वही रहता है कि लोगों को अच्छे से अच्छा खिलाएं ताकि संतुष्ट लोग हों, और जिनके पास नहीं भी होता है तो मैं उनको बैठ के खिलाता हूँ। भुवनेश्वर शर्मा जी, आपका संपर्क सूत्र क्या है, जैसे कभी कैंटीन में जाते हैं और आपसे बात करना चाहें तो कैसे संपर्क किया जा सकता है? 9415923655, मेरा उपनाम मामा है, मुझे सब लोग मामा के नाम से जानते हैं। पंडोगढ़ धाम में अभी आए तो भुवनेश्वर मामा को तलाशें आप कि मामा जी से मिलना है, तो इनके कैंटीन में मामा जी आपको मिलेंगे कैंटीन में, और आपको शुद्ध देसी घी से निर्मित रोटी मिलेगी और भोजन मिलेगा, स्वादिष्ट लजीज भोजन का आनंद मात्र 70 रुपये में आप ले सकेंगे। तो आपकी जन अदालत न्यूज का एक खास रिव्यू था, जिसमें आज हमने भोजन से संबंधित बात की, चाय से संबंधित बात की और भंडारे से संबंधित बात की। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार, धन्यवाद, पढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ, नमस्कार। Evergreen Colors India Private Limited, रंग है तो जीवन है। Stay home, stay safe.